दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कमोडिटी में कॉस्ट ऑफ कमोडिटी का एनालिसिस करेंगे और कॉस्ट ऑफ कमोडिटी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या आ सकते हैं, इन लेवल को हम यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमें कॉस्ट ऑफ कमोडिटी के पिछले काफी लंबे समय से हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं और जो लेवल को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था टेक्निकल चार्ट पे, उसी लेवल के आधार पर हमें कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब आगे कॉस्ट ऑफ कमोडिटी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कहाँ से सपोर्ट लेके कितना आगे जा सकता है और अगर रेजिस्टेंस लेते तो कहाँ से कितना स्लिप हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, वीडियो में आप आगे तक बने रहिए ताकि आपको कॉस्ट ऑफ कमोडिटी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिल सके। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें एंजेमन एप्लीकेशन को लॉग इन करना होता है। एंजेमन एप्लीकेशन को लॉग इन करने के बाद हमें ऊपर की ओर थोड़ा स्लाइड करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एंजेमन एप्लीकेशन को लॉग इन कर चुके हैं, यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का बैनर देखने को मिलेगा। इस ब्लैक कलर का जो बैनर है इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक जो नया और तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग करना काफी इजी काफी फास्ट होता है क्योंकि आप सेम विंडो पे सारा काम कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसको तो अपना पोटेंशियल रिटर्न बुक कर सकते हैं। एक बार आपकी पोजीशन बनने के बाद आपको कितना पीएनएल चल रहा है वो आपको यहाँ पे साइड में अनरजिस्टर्ड पीएनएल आपको देखने को मिलता है, वहीं पर आपका पीएनएल आपको देखने को मिलता है। एनी टाइम अपना पीएनएल आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर ऑर्डर को मॉडिफाई करना, डिलीट करना, कैंसिल करना है तो उसके लिए आपको नीचे साइड में ऑर्डर की बटन देखने को मिलती है। इस बटन की सहायता से आप ऑर्डर को एनी टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। साइड में आपको टूल बार देखने को मिलता है, आप यहाँ से अलग अलग टूल लगा के अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ऊपर साइड में एफएक्स बटन की सहायता से आप यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स को लगा के चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और साइड में आपको यहाँ पे एक प्लस की बटन देखने को मिलेंगी, इस प्लस की बटन का यूज करके आप यहाँ पे अपनी मनचाही कोई भी कमोडिटी को एड कर सकते हैं। जिससे कि हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कमोडिटी को एड करना चाहते हैं तो प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कमोडिटी को एड करेंगे। हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कमोडिटी पहले लगा चुके हैं तो हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 19 जून का एक कॉस्ट ऑफ कमोडिटी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हमें सिंपली वन क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कमोडिटी लग जाता है। अब हमने जो यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल्स को प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिफाई किया था उसी के आधार पर हमें कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में अपसाइड का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि बात करें यहाँ पे एमएचडी इंडिकेटर की तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा इसमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो इसमें एक जो हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन लगाई हुई है उस सपोर्ट लाइन को ये सफलतापूर्वक होल्ड कर रहा है। अगर इस सपोर्ट लाइन को होल्ड कर लेता है तो होल्ड करने के बाद कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा ये 5700 का देखने को मिलेगा और ये रेजिस्टेंस लेवल पास होते थे कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में 5800 से लेकर 5850 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये लेवल कॉस्ट ऑफ कमोडिटी पार कर लेते हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में यहाँ से 5900 से लेकर 6000 तक के हमें अपसाइड के मूव आते हुए नजर आ सकते हैं। ये लेवल दोस्तों आप आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं, यह लेवल हमें आते हुए नजर आ सकते हैं कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है या निगेटिव आता है तो इस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कितना नीचे जा सकता है। अगर मान लो कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी जो है ये 5600 का जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे स्लिप होता है तो इस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में 5520 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बन जाता है। ये लेवल तक कॉस्ट ऑफ कमोडिटी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो एलएमएन इंडिकेटर है ये इंडिकेटर का एक मूवमेंट आ सकता है, यहाँ तक कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में गिरावट आ सकती है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में यहाँ से बिकवाली तेज हो सकती है और फिर 5400 तक के लेवल में कॉस्ट ऑफ कमोडिटी दिखा सकता है। जैसे कि अगर हमें लगता है कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में अपसाइड या डाउनसाइड मूव आ सकते हैं और हम किस प्रकार से पोजीशन बना सकते हैं तो आपको नीचे बाय और यहाँ पे सेल बटन देखने को मिलेंगी। बाय बटन का यूज हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में अपसाइड के मूव आने वाले हैं और सेल का यूज तब करेंगे जब हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसको तोड़ के नीचे जाएंगे, उस कंडीशन में हम सेल ऑप्शन का यूज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक ऑर्डर लगा के बताऊंगा कि हम कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में किस प्रकार से ऑर्डर लगा सकते हैं। तो हम जैसे कि अभी लगता है कि इसका मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, हम यहाँ पे कॉल लेना चाहते हैं तो बाय बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट मेंशन करेंगे, एक लॉट मेंशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी के सिंगल लॉट में 5 मेट्रिक टन क्वांटिटी आती है। करंट प्रीमियम के साथ अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मार्जिन लगता है ये 33,576 का मार्जिन लगता है। इसके बाद बाय ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और कंफर्म ऑर्डर पर प्लेस करना होता है। दोस्तों हम जैसे कंफर्म ऑर्डर पर प्लेस करते हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर यहाँ प्लेस हो जाता है। एक बार हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो पी एंड एल है हमें यहाँ पे सेम विंडो पे देखने को मिलता है। अगर आप अपना ऑर्डर में अपना पी एंड एल चला है जो उसको बुक करना चाहते हैं तो आपने बाय किया हुआ है तो सेल ऑप्शन का यूज करके एनी टाइम आप अपना पी एंड एल बुक कर सकते हैं। ऑर्डर ऑप्शन से आप ऑर्डर को मॉडिफाई करना, डिलीट करना, कैंसिल करना आप ये काम कर सकते हैं।
तो दोस्तों इतना इजी इतना आसान है एंजल एप्लीकेशन को यूज करना और यहाँ पे काम करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आज अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें, यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, साथ ही वन ईयर कैंप चार्जेज जो है आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। तो देखना कि कहीं से दोस्तों आज अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।